में कोविड के केसेस अब काफ़ी कंट्रोल में हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत नीचे आ गया है अभी। तो वैसे में आज डीडीएमए की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए जिससे दिल्ली के लोगों की जिंदगी पटरी पे लौटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोजगार, लोगों के कामकाज तक सब पटरी पे लौटे। तो इसके लिए 7 महत्वपूर्ण फैसले डीडीएमए की मीटिंग में लिए। सबसे पहले तो स्कूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में, तो धीरे धीरे, अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे। समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी उनकी। 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में, वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उन सब ने वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कॉलेजेस को संबंध में है। दिल्ली में कॉलेजेस भी लगातार बंद हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने घर के छोटे छोटे कमरों से बैठ के पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ले रहे हैं, 2-2 साल निकल गए हैं उनके। इसलिए आज ये फैसला लिया गया कि इस मंडे से यानी 7 तारीख से दिल्ली के सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे और अब कॉलेजेस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी बल्कि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। कॉलेजेस के लिए अब ये ज़रूरी होगा कि वो अपना ऑनलाइन क्लास बंद करके ऑफलाइन मोड में आए। 7 तारीख से ये सिस्टम चालू हो जाएगा, मंडे से। यही सिस्टम स्किल के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आईटीआईज, पॉलिटेक्निक, उन सब पे भी लागू होगा, वो भी सब 7 तारीख से खोल दिए जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खोलना अलाउड होगा। नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा, पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी, तो अब ये निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा, 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा, एक निर्णय ये लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था, अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और खासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो जिंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी, लेकिन कॉलेजेस
मंडे से खुल जाएंगे, और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें, स्किल पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह सब खुल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोल दी जाएंगी।